चैप्टर 24। डिस एडजस्टमेंट ही मूर्खता है। ज्ञानी पुरुष श्री दादा भगवान कहते हैं कि घर में हमें हमारा चलन वर्चस्व नहीं रखना चाहिए, और जो रखते हैं उन्हें भटकना पड़ता है। हमने भी हमारी धर्मपत्नी हीराबा से कह दिया था कि हम तो ना चलनी सिक्का है, चलन में नहीं हो ऐसा, क्योंकि हमें तो अब भटकना नहीं गवारा। ना चलनी सिक्का हो उसे क्या करना होता है, उसे तो बस भगवान के पास बैठे रहना है, क्योंकि उसे कोई भी उठाकर ले जाना नहीं चाहता। घर में हम हमारा चलन रखें तो घर्षण टकराव होंगे ना, हमें तो अब संभाव से निकाल करना है। घर में वाइफ के साथ फ्रेंड की तरह पेश आइए। यहां किसी को यह जानने की फुर्सत नहीं है कि घर में आपका चलन है या वाइफ का। म्यूनिसिपालिटी में भी इसकी टिप्पणी नहीं होती और नहीं भगवान के यहां होती है। हमें तो दो वक्त पेट भर खाने से मतलब है या चलन से। अतः किस तरीके से हमें पेट भर अच्छा खाना मिलेगा इसका ध्यान रखना है। हमारे पैर दुख रहे हो और बीवी दबा रही हो, तब उसी समय कोई आए और देखकर कहे, ओहो आपके घर में तो आपका राज चलता है, तब हमें कहना चाहिए, नहीं इसी का राज है। यदि हम कहेंगे हां हमारा ही चलन है, तो वह पैर दबाना बंद कर देगी। इससे तो यही कहना बेहतर होगा कि इसी का चलन है। इसे मस्का मारना नहीं कहते, इसे स्ट्रेट वे सीधा रास्ता कहा जाता है, और दूसरे सब टेढ़े मेढ़े रास्ते कहलाते हैं। यह जो मैं बता रहा हूं वह इस दूषम काल में सुखी होने का एक अलग ही रास्ता है। हम हमारा खाना क्यों खराब करें, सुबह का नाश्ता बिगड़े, फिर दोपहर में खाना बिगड़े, ऐसे पूरा दिन बिगड़ेगा। शाम तक शायद सवेरे की टकराहट भूल भी जाए तो शाम को फिर कुछ नई बात शुरू हो जाएगी। एडजस्ट अनुकूल होना चाहिए जगत में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अंत है, प्रत्येक अवस्था का अंत है। कभी कभार डांटे भी तो प्रेम से डांटे, प्रेम से ही सुधार सकते हैं। यहां तो कॉलेज में प्रोफेसर ऊंची आवाज में कुछ कहे तो सभी मिलकर प्रोफेसरों को मारते हैं। सामने वाला कुछ सुधरे ऐसे हमारे प्रयत्न रहने चाहिए, लेकिन जो प्रयत्न रिएक्शनरी यानी कि प्रत्याघाती हो ऐसे प्रयत्नों में नहीं पड़ना चाहिए। हम किसी को डांटे या कुछ कहे और उसे बुरा लगे तो वे प्रयत्न नहीं कहलाते। प्रयत्न तो अंदर से होने चाहिए, सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप से यदि हमसे न हो सके तो सूक्ष्म रूप से प्रयत्न करने चाहिए। ज्यादा डांटने के बजाय थोड़े में ही कह देना चाहिए, ऐसा हमें शोभा नहीं देता। बस इतना ही कहकर चुप हो जाना चाहिए। कहना तो पड़ता ही है, लेकिन कहने का भी तरीका होता है। हमारी जिम्मेदारी इतनी ही है कि हम उसे समझाए, फिर भी यदि वह न समझे तो उसका कोई उपाय नहीं है। फिर तो हमें सिर्फ यह भावना करनी चाहिए, हे भगवान इसे सद्बुद्धि दीजिए। यह भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे ही उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ सकते।
यह सब गप नहीं है, अनुभव से प्राप्त ज्ञान है। यह दादा भगवान का एडजस्टमेंट वाला विज्ञान है, अनोखे एडजस्टमेंट है ये सब। और जब एडजस्ट नहीं हो पाते तब उसके भी परिणाम तो दिखते ही है ना। यह डिसएडजस्टमेंट ही मूर्खता है। यदि कोई मर्द कहे मैं स्वामित्व नहीं छोड़ूंगा, बॉसिज्म नहीं छोड़ूंगा और घर में मेरा ही वर्चस्व चलन रहना चाहिए, तो पूरी जिंदगी वह भूखों मरेगा। और फिर आगे जाकर ऐसी भी नौबत आएगी कि एक दिन जहर के घूंट पीने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा यही है कि सहज रूप से जो चल रहा है उसे चलने दे। यह तो कलयुग है, जो चलनी सिक्का है उसे इधर उधर एक हाथ से दूसरे हाथ में भटकना ही पड़ता है। आज यहां तो कल वहां, शांति से एक जगह पर नहीं रह सकता। और ना चलनी सिक्का हो तो उसे लोग मंदिर में ही चढ़ा देते हैं और वहां हमेशा के लिए वह शांति से रह सकता है। चलनी सिक्का भटकता रहता है और ना चलनी सिक्के को भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। तो फिर चलन किस काम का, ना चलनी ही हो जाइए ना। अगर बीवी कहे तुम नालायक हो तो कहिए ठीक है, हमें हमारा चलन ही नहीं रखना है। जैसा आप कहे यह तो एडजस्टमेंट की बात है, इसके पीछे शांति का आशय छिपा हुआ है। अशांति खड़ी न हो इसका अक्सर नुस्खा है यह। इस तरह पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, सास को बहू पर, बहू को सास पर, गुरु को शिष्य पर और शिष्य को गुरु पर, सेठ को नौकर पर और नौकर को सेठ पर, राजा को प्रजा पर और प्रजा को राजा पर अपना वर्चस्व नहीं जताना चाहिए। तभी पुराने कर्मों से मुक्ति तथा नए कर्मों से खड़े होने वाले बंधनों से मुक्ति मिलती है। कर्मों के बंधन तथा मुक्ति को यथार्थ रूप में समझने के लिए ज्ञानी पुरुष की खोज में रहना आवश्यक है। आपको क्या लगता है? हाइलाइट्स: एडजस्ट होना चाहिए जगत में, अनुकूल होना चाहिए जगत में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अंत है, प्रत्येक अवस्था का अंत है। जो चलनी सिक्का है उसे इधर उधर एक हाथ से दूसरे हाथ में भटकना ही पड़ता है। और ना चलनी सिक्के को भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। तो फिर चलन किस काम का, ना चलनी ही हो जाइए ना। Original recorded त्रिकाल बाधित मोती है, अज्ञाति मिरमर विक्षेपे जलती संसारी होली है। ये original recorded त्रिकाल बाधित मोती है, त्रिकाल बाधित मोती है, त्रिकाल बाधित मोती है।